हेलो गाइज, सभी को नमस्कार। एट द रेट आकाश पवार चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों स्टॉक मार्केट में हम नुकसान लेते हैं, क्यों नुकसान वहाँ पे झेल पाता है। एक न्यू ट्रेडर भी जब मार्केट में आता है तो क्यों उसको नुकसान होता है, इसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं, कुछ साइकोलॉजी होती है, वो हम समझ नहीं पाते। अभी नई न्यू जैसे मार्केट में हम बिगिनर बन के आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी हो गया, तो शुरुआत में जैसे मैं भी आया था मार्केट में तो वहाँ पे मुझे भी वहाँ पे काफ़ी सारा नुकसान वहाँ पे झेलना पड़ा था। बट बाद में सीखा, समझा, पेशेंस, साइकोलॉजी क्या होता है, एक सेटअप क्या होता है, वो भी समझा। तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड शेयर ज़रूर कर देना, ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके जो एक न्यू ट्रेडर करके मार्केट में यहाँ पे आया हुआ है और नुकसान से वहाँ पे बच सके। देखिए, बहुत सिंपल साइकोलॉजी होता है। जब हम मार्केट में आता है तो मार्केट में हमें लगती है लालच कि भाई मार्केट में बहुत सारा पैसा है, ऑब्वियसली बहुत सारा पैसा है, लेकिन हमारा जो फॉल्स ड्रीम रहता है ना, कि हम सोचते हैं कि भाई मार्केट में आऊँगा, आज कमा के जाऊँगा, दो चार दिन में, महीने भर में मैं लखपति करोड़पति बन जाऊँगा। ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। इतना ईजी अगर होता तो हर कोई पैसा कमा लेता। पैसा कमा सकते हैं, डिसेंट प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं मार्केट से, बस चलते आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब पेशेंस किस चीज़ का रखना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अगर आपको है, मैं तो पहले आपको बताऊँ, अगर आप ट्रेडर है तो आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेना चाहिए कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। थोड़ी सी बेसिक चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, अदरवाइज आप स्क्रीन के सामने बैठ के देखोगे क्या, है ना, एनालाइज क्या कर पाओगे, प्रीवियस डे लो क्या है, प्रीवियस डे हाई क्या है, ये सीख कैसे पाओगे। सो इसलिए आपको शुरुआत में जब आप मार्केट में आते हो तो मार्केट में आने के बाद आपको वहाँ पे थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में कि मैं किस चीज़ के बारे में यहाँ पे आया हूँ, किस लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ये सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास है तो बहुत सिंपल है। आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आने के बाद कोई भी एक सेटअप चूज कर लेना है। देखिए, सेटअप कुछ भी बुरा नहीं होता, आपको हजारों करोड़ों सेटअप यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन आप जिस सेटअप पे काम कर रहे हो उस पे आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उस पे आपका विश्वास होना चाहिए कि यस, ऑब्वियसली मैं मेरे सेटअप पे काम करूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा। अब बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, बहुत सारे इंडिकेटर पे आप काम कर सकते हो, किसी एक इंडिकेटर पे आप मास्टरी कर सकते हो। सो इंडिकेटर के मास्टरी होने के बाद आपका उस सेटअप पे भरोसा आ जाता है, ठीक है। तो एक इंडिकेटर पे वहाँ पे मास्टरी करने के बाद, उसका स्टडी करने के बाद आप एक अपना सेटअप बना लीजिए स्क्रीन पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मेरा यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, आप थोड़ा सा बने रहिए। ये वाला तो ये वाला मेरा सेटअप है, मैंने मेरा सेटअप बनाया, दो चार सेटअप मेरे पास में है, तो दो चार में से मैं हर दिन जिस पे मेरा सेटअप बनता है उस पे मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। बिना सेटअप के मैं ट्रेड कभी प्लान नहीं करता। अगर नहीं बनता है सेटअप तो उस दिन मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे नुकसान झेलना पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद डिसेंट प्रॉफिट ही क्यों ना हो, लेकिन मैं मेरे सेटअप पे ट्रेड करूंगा। अब कोई भी सेटअप आप बना लीजिए, अगर आपका सेटअप बनता है तो ट्रेड लीजिए। सेटअप अगर नहीं बन रहा है, वहां पे आपको कोई भी सिग्नल्स नहीं मिल रहे, आपका सेटअप बोल रहा है कि भाई नहीं बन पा रहा है ट्रेड, तो जबरदस्ती ट्रेड क्यों लेना। अगर जबरदस्ती आप ट्रेड लोगे तो आपको नुकसान तो वहां पे झेलना पड़ेगा। सो पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपके पास बेसिक नॉलेज भी, इसका मतलब ये नहीं कि आप जस्ट इंडिकेटर को देख के वहां पे ट्रेड करोगे, बिल्कुल नहीं। आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, प्राइस एक्शन को समझ में आना चाहिए, क्योंकि ताकि मल्टीपल कन्फर्मेशन लेके आप वहां पे ट्रेड कर सको, ठीक है। सो मल्टीपल कन्फर्मेशन लेके जब हम वहां पे ट्रेड करते हैं तो वहां पे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है हमारे अंदर कि यस, मैं आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, है ना, ये वाली चीजें मैं वहां पे कर सकता हूँ। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिए। स्टॉक मार्केट में ऐसे मतलब आ गए और आप थोड़ा सा लॉस कर दिया, आपको किसी ने बोल दिया ये ऐसा है वैसा है, सो डीमोटिवेट मत हो जाइए, सिर्फ सेल्फ मोटिवेट होइए, खुद को मोटिवेट बनाइए, सीखिए। हर दिन स्क्रीन को ओपन कीजिए, स्क्रीन पे सीखिए कि मैं क्या नई चीज सीख सकता हूँ आज उसमें, है ना। और अपने सेटअप पे भरोसा रखना बहुत जरूरी होता है। मैं मेरा सेटअप रखता हूँ, दो चार सेटअप है, मेरा ईएमए का सेटअप है, चार्ली का सेटअप है, उसके बाद अपस्टॉक्स में एक सेटअप बना हुआ है ना, ट्रेडिंग पे मेरा एक चार्ली का सेटअप बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं मैं सेटअप आपके साथ शेयर करूँ, कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप मुझे कमेंट करके बताओ कि यस, आपको, मेरे को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, मैं एक पेशेंस रख के वहाँ पे ट्रेड करूंगा और एक डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पे मार्केट से लेके जाऊंगा। अभी चलो ठीक है, एक आध बार मेरा एसएल जाता है तो मैं एसएल मार्केट को देने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे यहाँ पे ओवरऑल मत मेरा ग्रीन में रखना है, मतलब एक फिक्स सैलरी मेरा वहाँ पे स्टॉक मार्केट से आना चाहिए, ये मुझे वहाँ पे डिसाइड करके चलना है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखोगे, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग चलोगे, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी नुकसान यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। एक फिक्स सैलरी के तौर पर आप यहाँ पे एज अ ट्रेडर काम कर सकते हो, एक प्रोफेशनल ट्रेडर करके काम कर सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, पेशेंस रखना, मार्केट में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अपना रिस्क मैनेज करके चलना। अगर आप एक दिन में 3000 का प्रॉफिट ले सकते हो तो 3000 का अगर लॉस आपको दिखता है किसी ट्रेड में, आपके सेटअप बन रहा है, बना लेकिन चलो ठीक है फॉल्स हो गया, 3000 का लॉस हो गया, तो निकल जाओ मार्केट से, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे दिन आपको सेटअप देगा, तीसरे दिन भी सेटअप देगा। ऐसा नहीं कि आज फॉल्स हो गया कल भी फॉल्स हो जाएगा और परसों भी फॉल्स हो जाएगा, नहीं, एक दिन फॉल्स होता तो 7 दिन में परफेक्ट भी होता है, करेक्ट होता है ना, मतलब एक दिन का लॉस अगर हम 7 दिन में से माइनस करें तो 6 दिन का प्रॉफिट लेके हम घर जा रहे हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें होती है, पेशेंस रखना होता है। मार्केट जैसे ओपन होता है, मार्केट ओपन होती है वहाँ पे ट्रेड लेने लग जाते हैं, मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा दिखता है, वहाँ पे ट्रेड रहता है, तो उन सारी चीज़ों को देख के हम मतलब अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, वहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं।
तो ये सारी दिक्कतें वहाँ पे आती है जिसके कारण हम मार्केट में नुकसान करते हैं। नुकसान नहीं करना है, प्रॉपर सेटअप पे वर्क कीजिए, सेटअप बनता है तो ट्रेड लीजिए, अदरवाइज उस दिन स्किप किया तो भी बेटर रहे, क्योंकि अगर सेटअप बन ही नहीं रहा है तो लॉस जबरदस्ती ट्रेड करके लॉस करने से अच्छा है कि हम वहाँ पे अपना पैसा बचा लें। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी, मैं यहाँ पे मतलब जी तोड़ के आपको बता रहा हूँ कि मतलब एक्चुअली क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है। कुछ भी नहीं, सीखना बहुत सिंपल है, कोई भी सीख सकता है, मैं सीख सकता हूँ, आप सीख सकते हैं, कोई भी सीख सकता है, जस्ट बेसिक नॉलेज चाहिए, थोड़े दिन के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसके बाद एक सेटअप बना के अपना चलना पड़ेगा, एक स्क्रीन लेके चलना पड़ेगा, उसके साथ सामने बैठ जाओ, अच्छा खासा छोटा सा डिसेंट अमाउंट लेके आ जाओ, ट्रेड करो बिंदास अपने सेटअप पे, ट्रेड लो, ऑब्वियसली मैं आपको बोल रहा हूँ प्रॉफिटेबल होके जाओगे, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ। अभी आपको यहाँ पर बोला जाए बहुत सिंपल थोड़ी है, इतना आसान थोड़ी है, आसान है, एक स्टेज के बाद आसान होता है, शुरुआत में कठिन सबको लगता है, यूँ यूट्यूबर यहाँ वहाँ से आके आपके माइंड में ये भर देते हैं कि भाई ऐसा है, और वो अलगो ट्रेडिंग वाले पे तो बिल्कुल भरोसा मत करना यार, मैं हमारा ये ले लो, टिप्स वाले पे तो बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, अगर आपको टिप्स कोई दे रहा है तो देखिए, उसकी जांच कीजिए कि वो क्या सच में वो पर्सन सेबी रजिस्टर्ड है नहीं है। ठीक है, तो और कोई बोल रहा है कि मैं एजुकेशन के पर्पज से यहाँ पे सिखाता हूँ, तो आप पेपर ट्रेड वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, टिप्स कोई दे रहा है जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप पेपर ट्रेड वहाँ पे आप कर सकते हैं, बट मैं आपको बोल रहा हूँ सीखिए, सीखने से पैसा बनता है, और ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं आपके लिए यहाँ पे बहुत वैल्यूएबल टाइम मेरा निकाल के, क्योंकि देखिए मैं बायजूस में भी जॉब करता हूँ, मैं ट्रेड भी करता हूँ, बायजूस में मेरा बीडीए करके मेरा रोल है, तो वहाँ पे मुझे वो भी करना है। अभी मेरा मंडे ऑफ रहता है तो मैं चलो वीडियो बना लेता हूँ, ताकि मैं यूट्यूब पे भी वहाँ पे थोड़ा सा आपको बता पाऊँ, आपके साथ डिस्कस कर पाऊँ, और मैं खुद भी ग्रो कर पाऊँ, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ ग्रो करने के लिए कर रहा हूँ, सब लोगों के साथ में, आप लोगों के साथ में, साथ में बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे, साथ में बढ़ेंगे तो इंडिया बढ़ेगा, साथ में बढ़ेंगे तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। ऐसा बिल्कुल लेंगे मत चले कि भाई मेरे को आगे जाना है उसको नहीं, ऐसा बिहेवियर या ऐसा माइंडसेट अपना बिल्कुल मत रखिए, सब चलेंगे साथ में चलेंगे। थैंक यू सो मच।